हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपकी अंकिता डेरा, और आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताऊंगी। अभी 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। एक गणेश जी ऐसे भगवान है जिनकी मतलब हम पूजा सबसे पहले करते हैं, किसी भी शुभ काम में या कोई भी फेस्टिवल पर जो पूजा होती है हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश चतुर्थी में गणेश जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे गणेश उत्सव भी बोल सकते हैं, गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। वैसे तो ये ज्यादातर महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है, लेकिन अब तो हर जगह पे सभी लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं। मैं भी अपने घर में गणेश जी की स्थापना करती हूँ, तो आप लोग भी अपने घर में गणेश जी ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक दिन पहले या फिर उसी दिन आप गणपति जी अपने घर में ला सकते हैं। बहुत से लोग 5 दिन के लिए लाते हैं, बहुत से लोग 7 दिन के लिए लाते हैं, बहुत से लोग 11 दिन के लिए लाते हैं, जैसे भी अपनी इच्छा हो। तो पहले मैं ये गणेश जी अपने घर में नहीं लाती थी, अभी कुछ सालों से 5-6 साल से गणेश जी मैं अपने घर में ला रही हूँ। ये मुझे मेरी भाभी की जब शादी हुई थी तो मेरे मायके में उन्होंने लाना शुरू किया था, तो फिर उन्होंने मुझे भी इस चीज के लिए सजेस्ट किया कि दीदी आप भी गणपति अपने घर में रख सकती हो। तो फिर मैंने भी सोचा, अपनी मदर इन लॉ से ये चीज मैंने बताई कि मम्मी हम भी गणपति जी अपने घर में ला सकते हैं। जैसे किसी के भी मन में कोई भी मनोकामना चल रही है, अपने मन में उस चीज को रखें कि गणपति जी आप मेरी ये मनोकामना पूरी करो, तो मैं अगले साल आपको अपने घर लेके आऊंगी। तो मैंने भी जो जो मनोकामना गणपति जी से मांगी वो मेरी पूरी हुई। जैसे कि मेरा छोटा बेटा गणपति घर में लाने के बाद ही मतलब मैंने कंसीव किया, और हमारा नया घर भी गणपति जी घर में लाने के बाद ही बना। मतलब बहुत से ऐसे काम हैं जो मेरे पूरे हुए। तो मैं भी गणपति जी से यही विश मांगूंगी कि आप लोगों के भी सभी मनोकामना पूरी हो जैसे मेरी हुई। तो इस बार भी मैं अपने गणपति जी अपने घर में लाऊंगी, तो उसके लिए मैं एक दिन पहले गणपति जी को ले आते हैं, उन्हें हम मतलब ढककर लाते हैं और रात को घर में रख देते हैं। सुबह हम उनकी स्थापना करते हैं, सुबह मतलब जो भी घर में अपने सदस्य हैं सब मिलके उनकी स्थापना कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे जिसको टाइम मिले उस तरह से हम गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। उसमें हम गणेश जी की 11 दिन के लिए जैसे जिसको ठीक लगे, वैसे तो शुरू में 5 दिन के लिए ही लाते हैं, फिर जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं अपने दिन बढ़ते जाते हैं, और लास्ट के दिन हम उनका विसर्जन करते हैं। तो आजकल कोरोना की वजह से लास्ट ईयर भी विसर्जन रोका हुआ था, तो मतलब विसर्जन नहीं हो रहे थे बाहर, तो हमने तो अपने गणपति जी का विसर्जन घर में ही किया था। एक बाल्टी में साफ पानी लिया, उसमें गंगाजल डाला और फूल पत्ती सब कुछ डाल के अपने गणेश जी का विसर्जन हमने उसी में कर दिया, और फिर वो जब मिट्टी के रूप में आ गए तो हमने उनको गमलों में डाल दिया। तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं, अगर कहीं विसर्जन हो रहा है तो आप बाहर भी विसर्जन करके आ सकते हैं, वरना अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो मिट्टी के गणेश जी होने जरूरी हैं जो कि पानी में घुल जाएं। तो इस बार मैं अपने गणेश जी लेके आऊंगी 9 तारीख को, और मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैंने कैसे गणेश चतुर्थी के दिन अपने गणेश जी की स्थापना की। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती थी, आप भी अपने घर में गणपति जी लाइए, अपने मन में मनोकामना धारण कीजिए, आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो व्लॉग यही खत्म होता है। तो आप अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए व्लॉग लाती रहूंगी अगर आप मुझे इस चैनल पर सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू।